हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड की वीडियोस की इन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम परिबद्ध अवस्थाएं समस्याएं श्रोडिंगर समीकरण के हल का अध्ययन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, परिबद्ध अवस्था समस्याएं। तो परिबद्ध अवस्था समस्याओं में सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय अनंत विभव कूप में कण पार्टिकल इन 1D वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। तो हमने इससे पहले हमने बात की थी एक विमीय बॉक्स में कण की गति, और साथ ही हमने बात की थी एक विमीय विभव कूप में कण की गति का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब यदि यहाँ हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक विमीय अनंत विभव कूप, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं एक विमीय अनंत विभव बॉक्स और साथ ही एक विमीय विभव कूप। तो दो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा टॉपिक जो सिमिलर है, हम इसकी बात करते हैं। तो तीनों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीनों में फ़र्क क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय अनंत विभव बॉक्स की। हम बात करते हैं कि विभव बॉक्स में कण की गति की जो हमने बात की थी, तो हमने कहा था विभव बॉक्स कब हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया था, जिसमें एक्स इक्वल्स टू जीरो हमने यहाँ लिया, एक्स इक्वल्स टू ए यहाँ लिया, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा x इक्वल्स टू जीरो हो गया, ये x इक्वल्स टू ए हो गया, साथ ही ये जो v थी, ये इन दीवारों के ऊपर v का मान कितना था, ये अनंत था, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि ये जो जो हमारा विभव बॉक्स है, ये y अक्ष के सापेक्ष या x इक्वल्स टू जीरो के सापेक्ष ये सममित या सिमेट्रिक नहीं था, ठीक है। जबकि ये दूसरे, ये जो हम एक विमीय अनंत विभव कूप की बात कर रहे हैं, तो एक विमीय अनंत विभव कूप, ये जो हमारी वाई अक्ष है या एक्स इक्वल्स टू जीरो के सापेक्ष, ये क्या है, ये सममित है। साथ ही हमने बात की थी इससे पहले एक विमीय विभव कूप की, हमने बात की थी, और हमने एक विमीय विभव कूप का निर्माण इस प्रकार से किया था जो हमने पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था। तो एक विमीय विभव कूप का मतलब ये हुआ कि हमारे पास वी की वैल्यू जो है वो कैसी है, वो फाइनाइट है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से दिखाया था, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इसे नीचे दिखाया था। परंतु यदि हम बात करें एक विमीय अनंत विभव कूप की, तो एक विमीय अनंत विभव कूप में जो विभव कूप की दीवारें हैं ये इनफाइनाइट हैं, तो इनको यदि हम नीचे दिखाएं तो इसकी गहराई मतलब हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से, जो जैसा कि हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। तो हमने कहा, माना एक कण की गति एक विमीय विभव कूप में परिबद्ध है, बाउंड है। विभव कूप को चित्र में दर्शाया गया है, इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहली बात हमने कही है कि माना एक कण की गति एक विमीय विभव कूप में परिबद्ध है। परिबद्ध है इसका मतलब कण जो है केवल x इक्वल्स टू माइनस ए और x इक्वल्स टू ए पर दीवार स्थित दीवारों के मध्य ही गति करेगा। कारण इसका, क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस ए पर पोटेंशियल v इक्वल्स टू इन्फिनिटिव है और x इक्वल्स टू ए पर पोटेंशियल v इक्वल्स टू इन्फिनिटिव है। v इक्वल्स टू इन्फिनिटिव होने के कारण कण जो है इन दीवारों को पार करके दूसरे क्षेत्र के अंदर, मतलब इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में गति नहीं कर पाएगा। जब कण इस दीवार पर पहुंचेगा, ये इस दीवार पर पहुंचता है, तो उस स्थिति में कण के ऊपर एक बल F इक्वल्स टू माइनस dv/dx लगता है, ठीक है। चूंकि बल ऋणात्मक है, इसलिए कण इस दीवार से वापस क्या है, प्रतिकर्षित होकर इसी क्षेत्र में गति करता है। और जब कण इस तरफ गति करता है, तो वापस v इक्वल्स टू इन्फिनिटिव होने के कारण इससे प्रतिकर्षित होकर इस प्रकार से गति करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कण जो है वो एक विमीय विभव कूप में परिबद्ध रहता है। विभव कूप को चित्र में दर्शाया गया है, इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमने कहा Vx equals to 0 कब, जब x की वैल्यू a माइनस a से बड़ी है और a से छोटी है, मतलब माइनस a से a के बीच में Vx का मान 0 है, तथा x equals to माइनस a तथा x equals to a पर Vx equals to infinitive है। जब x is greater than a मतलब ये वाला रीजन, और ये हमने यहाँ मोड का निशान लगाया ताकि ये इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है, ये जो ये एरिया है, इसको भी इसी के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। हम बात करें विभव कूप की चौड़ाई L इक्वल्स टू 2a, तो a तो ये हो गई और a ये हो गई, तो a
ये तो विभवों की चौड़ाई एल इक्वल्स टू 2a हो गई। एक्स अक्ष के मूल बिंदु का चयन विभव कूप के मध्य में किया जाता है, जिससे विभव कूप मूल बिंदु x इक्वल्स टू 0 के सापेक्ष सममित हो जाता है, अर्थात वी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस एक्स। अब क्योंकि कण की स्थितिज ऊर्जा x इक्वल्स टू प्लस माइनस a पर अनंत है, अतः विभव कूप के बाहर कण के होने की प्रायिकता शून्य रहती है, अर्थात कण विभव कूप में परिबद्ध है। तो कण की परिबद्ध अवस्था में ऊर्जा आइगन मान तथा ऊर्जा आइगन फलन ज्ञात करने के लिए श्रोडिंजर समीकरण को केवल विभव कूप के अंदर ही हल करना होता है। ठीक है, तो चूंकि कण की जो बाहर, ये जो बाहर का एरिया है विभव कूप से बाहर का एरिया, यहाँ साई एक्स इक्वल्स टू 0 होगा और इधर भी साई एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस स्थिति में जो श्रोडिंजर समीकरण है वो केवल हम इस क्षेत्र के अंदर ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा आइगन फलन की। तो हमने कहा x इज लेस देन a, मोड ऑफ x इज लेस देन a के लिए श्रोडिंजर समीकरण, मतलब लेस देन a के लिए श्रोडिंजर समीकरण, हम कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में श्रोडिंजर समीकरण माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई साई। यहाँ हमने क्या लिखा, वी एक्स इक्वल्स टू कितना लिख दिया, 0 रखकर ये हमने श्रोडिंजर समीकरण लिखी है। हमने ये वैल्यू दूसरी तरफ पक्षांतरण करके इसको लिखा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 1, जहाँ के इक्वल्स टू रूट ऑफ 2me अपॉन एच क्रॉस। इस समीकरण के व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, इसको हमने समीकरण नंबर 2 से डिनोट कर दिया। ये जो हमारे कांस्टेंट हैं ए और बी, ये स्वेच्छ या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इनकी गणना या इनका मान परिसीमा तथा सांतत्य प्रतिबंधों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्योंकि विभव कूप के बाहर साई एक्स इक्वल्स टू 0 है तथा साई एक्स सतत होना चाहिए, अतः विभव कूप की दीवारों पर भी साई एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हमने कहा परिसीमा जो है, परिसीमा दो है हमारे पास, परिसीमा एक तो ये वाली है, इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हमने तारांकित छायांकित किया है, इस क्षेत्र और इस क्षेत्र की परिसीमा x इक्वल्स टू माइनस ए पर है। तो x इक्वल्स टू माइनस ए पर हम इधर कह रहे हैं कि यहाँ पर साई x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इस अतः ये जो दीवार है इस पर भी साई x का मान 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमने ली, तो हमने कहा अतः विभव कूप की दीवारों पर भी साई एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसलिए साई एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर। तो सबसे एक बार हमने एक्स इक्वल्स टू प्लस ए रखा, कौन सी समीकरण में, यहाँ समीकरण 2 में, सबसे पहले ए रखा, ए रखते हैं तो इक्वेशन हमें मिलती है 0 इक्वल्स टू ए साइन के ए प्लस बी कोस के ए। अब दूसरी बार हमने एक्स इक्वल्स टू माइनस ए रखा, माइनस ए रखते हैं तो ये हो गया के माइनस ए और ये हो गया बी कोस के माइनस ए। कोस कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है और साथ में साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो अतः दूसरी समीकरण हो गई हमारी 0 माइनस ए साइन के ए प्लस बी कोस के, समीकरण 3 और ये हो गई समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को यदि हम हल करें, एक बार हमने इसको जोड़ लिया समीकरण दोनों समीकरणों को और एक बार हमने इसको घटा लिया। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2b cos ka equals to 0, तो इससे हमें मिला b cos ka equals to 0 और जब हम घटा लेते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है a sin ka equals to 0, एक हो गई समीकरण 5 और एक हो गई समीकरण 6। तो समीकरण 5 और 6 में हम एक साथ a तथा बी दोनों शून्य नहीं मान सकते, या एक साथ साइन के ए और कोस के ए 0 नहीं हो सकते। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति के अंदर यदि ए और बी हम एक साथ शून्य लेते हैं तो क्षेत्र में तरंग फलन साई एक्स का मान 0 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक साथ ए और बी शून्य नहीं लेना और साथ ही साइन के ए कोस के ए भी हम शून्य नहीं ले सकते। तो इन समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने के लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं, तो दोनों विकल्प हमने कहाँ से लिखे, समीकरण 5 और 6 से। हमने कहा यदि a इक्वल्स टू 0 है तो
तो कोस के ए इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और यदि बी इक्वल्स टू 0 है तो साइन के ए इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो प्रथम विकल्प के अनुसार, प्रथम विकल्प ए इक्वल्स टू 0 तथा कोस के ए इक्वल्स टू 0 लेने पर, तो हमने कहा कोस के ए इक्वल्स टू 0, तो कोस जी थीटा इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ये वैल्यूज होती हैं, तो उस कंडीशन में जो कोस थीटा का मान 0 होता है। तो हमने लिखा इसका मतलब के ए इक्वल्स टू होना चाहिए एन पाई बटा 2 के बराबर, जहां एन 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन विषम पूर्णांक और इंटीजर होते हैं, या के इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2a, इसको हमने समीकरण नंबर 7 से रिनोट कर दिया। तो हमने वैल्यू समीकरण 2 में रखी, समीकरण 2 में a इक्वल्स टू 0 रख लिया और k की हमने वैल्यू निकाली और ये रख लिया, तो ये रखा तो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है साई एक्स इक्वल्स टू बी कोस के एक्स, इसको हमने समीकरण नंबर 8 से डिनोट कर दिया, जहां k किसके बराबर है n पाई अपॉन 2a के बराबर है। b का मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का उपयोग करते हैं, तो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स, यहाँ हमारा कण जो परिबद्ध है वो माइनस ए से ए के बीच में परिबद्ध है, तो इसलिए हमने लिमिट ली है माइनस ए से ए साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स। साई स्टार एक्स जो है तरंग फलन साई एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सम्मिश्र संयुग्म है, तो इस साई स्टार एक्स की वैल्यू रख ली और साई एक्स की वैल्यू रखी, तो इक्वेशन आ गई एक इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए से ए कोस स्क्वायर के एक्स डी एक्स। इसको हमने हल किया तो b की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है b इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ए प्राप्त होती है, अतः प्रसामान्यीकृत आइगन फलन साई एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ए कोस एन पाई एक्स अपॉन 2a समीकरण नंबर 9, तो इसको हमें याद रखना है, ये हमें प्रसामान्यीकृत आइगन फलन या तरंग फलन प्राप्त होता है, जहां n इक्वल्स टू 1, 3, 5 विषम पूर्णांक है और इंटीजर है। अब हमने कहा द्वितीय विकल्प के अनुसार, द्वितीय विकल्प के अनुसार b इक्वल्स टू 0 और साइन के ए इक्वल्स टू 0, तो हमने कहा के साइन 0 होता है पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, या यूं कहें कि के ए इक्वल्स टू एन डैश पाई, जहां एन डैश 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उपरोक्त को निम्न प्रकार से लिखना सुविधाजनक रहता है, तो हमने इसको लिख लिया के ए इक्वल्स टू एन अपॉन टू पाई, ठीक है, तो एन डैश किसके बराबर हो गया, एन डैश इक्वल्स टू एन अपॉन टू के बराबर, या एन की यदि मैं बात करूं तो एन किसके बराबर हो गया, एन इक्वल्स टू टू एन डैश के, तो ये वैल्यू हमने ले ली, तो के ए इक्वल्स टू एन पाई अपॉन टू ए, तो के इक्वल्स टू एन पाई अपॉन टू ए समीकरण नंबर 10, एन इक्वल्स टू टू एन डैश, एन डैश 1 2 3 था तो एन हो जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन सम पूर्णांक, सम पूर्णांक मतलब इवन इंटीजर। तो इसके संगत आइगन फलन साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स बी इक्वल्स टू 0 रखने पर, तो जो समीकरण 2 थी उसमें हमने बी इक्वल्स टू 0 रखा, बी इक्वल्स टू 0 रखते ये टर्म खत्म, ए साइन के एक्स के इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2a, अब हमने कहा प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध लेने पर a की वैल्यू हम जैसा हमने ऊपर निकाला b की वैल्यू, उसी प्रकार हम a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a हमें प्राप्त होता है 1 अपॉन रूट a, अतः प्रसामान्यीकृत फलन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन साई x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट a साइन n पाई x अपॉन 2a, ये हमारी समीकरण नंबर 12 होगी, जहां n इक्वल्स टू 2, 4, 6 सम पूर्णांक है।